एयरी स्पेशियस एंड द वेल वेंटिलेटेड हाउस. हमारे जो घर होने चाहिए वो काफ़ी एयरी स्पेशियस होने चाहिए और वेंटिलेटेड होने चाहिए. देयर शुड बी द ओपन स्पेस इन द एवरी हाउसेज. हमारा जो भी घर होता है वो काफ़ी खुला हुआ होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए. टू मच ऑफ द फर्नीचर एंड द अननेसेसरी थिंग्स स्टॉप द फ्रेश एयर ऑफ पास थ्रू द हाउसेज. अगर हम अपने घर में ज़्यादा फर्नीचर वगैरह लगा देते तो फ्रेश एयर का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाता. क्लीन एंड द फ्रेश एयर इज़ द नीडेड टू स्टे हेल्दी. अगर हमारे घर में आपका क्लीन एंड द फ्रेश एयर आती है तो हम लोग हेल्दी रहते हैं. देयर शुड बी द इनफ विंडोज एंड द वेंटिलेटर्स टू लीड ऑफ द फ्रेश एयर एंड ओपन द स्पेस द पास थ्रू द हाउसेज. अगर हमारे घर में अच्छी तरह से विंडोज़ वगैरह लगी रहती है तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है और वहाँ पर हवा का ट्रांसमिशन होता रहता है. वायर मैश विंडोज़ कीप द मॉस्किटो एंड द हाउस फ्लाइज एंड द अदर इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द हाउसेज. हमारी जो विंडोज़ होती है उसके साइड बाहर की तरफ आपका वायरलेस एक विंडो बनी रहनी चाहिए जिससे कि छोटे मोटे आपके जो ऐसे मॉस्किटोज़ हैं, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज हैं, ये सब नहीं आ सकते. एंड द इंसेक्ट ऑफ द बग डैट द स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ द डिसीज इज द कॉल्ड अ पेस्ट. अगर इस टाइप के जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, बग है आपका, ये क्या करते हैं, डिसीज, बीमारियाँ फैलाते हैं लाइक अ पेस्ट, इस टाइप की. एंड द पाथ ऑफ द सनलाइट, सनलाइट किल्स द जर्म्स. आपका क्या आता है, धूप की रोशनी जो आपकी प्रकाश आता है जो सनलाइट का, उससे हमारे जर्म्स क्या होते हैं, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं. जर्म्स डू नॉट ग्रो अ वेल लिट हाउसेज. जहाँ पर अच्छी तरीके से लाइट रहती है, जिन घरों में प्रकाश का आना जाना रहता है, वहाँ पर क्या होता है, जर्म्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते. प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सनलाइट टू कम इन द सेव द इलेक्ट्रिसिटी. और ज़्यादा अच्छी लाइट आएगी तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी सेव रहेगी. बिकॉज वी डू नॉट नीड टू द कीप द सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम. फिर क्या होगा, हमें दिन की जब हमारा दिन का समय होगा तो हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड वी शुड बी मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ द सोलर एनर्जी. उस समय हम लोग मैक्सिमम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकेंगे. क्लीन वाटर सप्लाई, डर्टी वाटर इज़ हार्मफुल फॉर अस एज इट्स कॉज मैनी डिसीज एंड द इन्फेक्शन. हमारा पानी भी साफ़ सुथरा होना चाहिए. अगर गंदा पानी होगा वो हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा, उससे हमें बहुत सारी डिजीज मीन्स बीमारियाँ और इन्फेक्शन हो जाएंगे. सप्लाई टू क्लीन वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी हाउस फॉर द ड्रिंकिंग एंड द अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. घर में जो पानी सप्लाई होता है वो भी क्लीन होना चाहिए, और क्योंकि वो क्लीन वाटर ही हमारा ड्रिंकिंग के लिए और आपका जो हाउस होल्ड वर्किंग होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उनके काम आता है. प्रॉपर ड्रेनेज, मतलब जो पानी है वो उसका ड्रेनेज अच्छी तरह से होना चाहिए, मतलब उसकी जो पानी है बाहर अच्छी तरीके से निकलना चाहिए. हाउस, अ हाउस मस्ट हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम टू डर्टी वाटर आउट फ्रॉम इट्स अ प्रॉपर डिस्पोजल. जो घर में गंदा पानी है वो सर अच्छी तरीके से बाहर जाना चाहिए. ब्लॉक पाइप्स ड्रेन्स कॉज द ब्रीडिंग एंड द जर्म्स एंड फॉल्स द स्मेल. अगर हमारे पाइप वगैरह ब्लॉक्ड हो जाएंगे, चॉक्ड हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर जर्म्स डेवलप हो जाएंगे और इसमें से गंदी सी स्मेल आएगी. क्लीन सराउंडिंग, सफाई हमारे चारों तरफ क्यों ज़रूरी है. द क्लीनिनेस ऑफ द सराउंडिंग इज ऑल्सो मच इम्पोर्टेंट एज अ इनसाइड. ज़रूरी नहीं है कि हम घर के अंदर ही साफ रहें, हमारे घर के बाहर का भी वातावरण साफ होना चाहिए. सेंट ऑफ द वाटर, डर्ट एंड गार्बेज में कॉज द ग्रोथ ऑफ द जर्म्स. अगर हमारा कहीं पानी रुका हुआ है, कहीं गंदगी है, गार्बेज जमा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जर्म्स डेवलप होंगे. फाइबर्स फॉर द क्लोथ्स, अर्ली मैन व एनिमल्स स्किन. अर्ली मैन क्या, जब आपका पहले टाइम का जो शुरू वाला व्यक्ति था, वो लोग क्या करते थे, आपके आदि मानवस वगैरह, वो लोग एनिमल्स की स्किन को पहनते थे, लीव्स को पहनते थे एंड बास ऑफ द ट्री को पहनते थे. दीज वर द आइदर टू हॉट फॉर द समर, नॉट टू वार्म फॉर अ विंटर. प्रॉब्लम क्या थी उस उन वाले कपड़ों में, वो गर्मियों में ना तो ठंडे रहते थे, ना सर्दियों में वो गर्म रहते थे. ग्रेजुअली ह्यूमन बींग लर्न आर्ट ऑफ द स्पिनिंग एंड द क्लोथ. उसके बाद क्या हुआ, जब आगे आपका टाइम आया तो लोगों ने स्पिनिंग के थ्रू ना आपका क्लोथ को तैयार किया. क्लोथ प्रोटेक्ट द हीट, रेन, डस्ट, इंसेक्ट एंड द जर्म्स. हमारा क्लोथ क्या है, हमें हीट से, कोल्ड से, ड्रेन से एंड डस्ट से, इंसेक्ट्स एंड जर्म्स से बचाता है. क्लोथ्स आर द मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द फैब्रिक टेक्सटाइल. जो हमारे कपड़े हैं वो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से और टेक्सटाइल से बने होते हैं. फाइबर्स आर द बेसिस ऑफ द फैब्रिक और द टेक्सटाइल. फाइबर्स के बेस पर ही हमारा फैब्रिक और टेक्सटाइल तैयार किया जाता है. आप फाइबर्स इज अ लॉन्ग स्टैंड एंड द थ्रेड ऑफ द पर्टिकुलर मेटल. इसके अंदर आपका एक लॉन्ग टाइप का स्टैंडर्ड टाइप का एक थ्रेड लगा बनता है इससे. फाइबर्स मे बी द नेचर ऑफ द मैन मेड. फाइबर्स भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, तो नेचुरली होते हैं और दूसरा आपका मैन मेड. नेचुरल फाइबर्स आर द ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल. नेचुरल फाइबर हमें किससे ऑप्टेन प्राप्त होता है, प्लांट से और एनिमल से. एग्जाम्पल सिल्क है, जूट है, वूल है, कॉटन है. फाइबर्स डेट आर द प्रिपेयर्ड बाई द मैन आर्टिफिशियली आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर्स.
ऐसा फाइबर जो कि मैन की तरह के द्वारा तैयार किया जाता है, इसको आर्टिफिशियल या मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर एंड द अर्क्लेन। अदर क्लोथ्स डिपेंड ऑन द वेदर। कुछ कपड़े हैं जो कि वेदर के अकॉर्डिंग होते हैं। वी वेयर द टाइप ऑफ क्लोथ डिफरेंट वेदर एंड द ऑन द डिफरेंट ओकेजन। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं हम लोग मौसम के अकॉर्डिंग पहनते हैं और ओकेजनली पहनते हैं। वी वेयर द कॉटन क्लोथ्स इन द समर टू कीप अवर बॉडी कूल। गर्मियों में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमारी बॉडी ठंडी रह सके। वी वेयर द वूलन क्लोथ्स इन द विंटर टू कीप अवर बॉडी वार्म। जब हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमारी बॉडी वार्म रहती है। वी वेयर स्पेशल क्लोथ्स ऑन द स्पेशल ओकेजन। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि ओकेजनली हम पहनते हैं कोई पार्टी वगैरह टाइप की। सिल्कन क्लोथ्स हैव द नाइस शाइन एंड द ऑफन यूज टू द पार्टी वेयर ड्रेसेस। सिल्क मोस्टली हमारा पार्टी वेयर में यूज़ किया जाता है। नायलॉन एंड द पॉलिस्टर मेड फ्रॉम द फाइबर्स। नायलॉन और पॉलिस्टर हमारा मैन मेड फाइबर से तैयार होता है। दे आर द स्ट्रॉन्गर दैन द नेचुरल फाइबर। ये स्ट्रॉन्ग होता है हमारे नेचुरल फाइबर से। नायलॉन इज यूज टू मेक गुड स्पोर्ट्स वेयर एंड बिकॉज इज द ड्यूरेबल एंड द टफ। हमारे जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं वो नायलॉन के बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर यूज टू मेक द रेनकोट एंड द ड्राइज क्विकली। पॉलिस्टर हमारा क्या होता है उससे हमारा मोस्टली रेनकोट वगैरह और बनाए जाते हैं क्योंकि ये ड्राई हो जाता है इजीली और क्विकली हो जाता है। ओके बेटा, रीड इट।